देखिए, ये मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुल्क के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो हुबल वतनी है या किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी को हुबल डंडे के ज़ोर पे आप हुबल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी प्यार की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ धकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है, उसको आप किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे, नहीं आपने इसी को पसंद करना, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत ने हमें हक़ दिया है, यहाँ के आईन ने हमें हक़ दिया है कि हम किस खेल में किसको पसंद करें और किसको पसंद ना करें। थैंक यू। देखिए, आज हमारे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के ख़िलाफ़, इन्हीं अरेस्ट के ख़िलाफ़। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। देखिए, संदेश तो ये है कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है, मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। इस तरह डंडे के बलबोते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे, और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किल पैद हो गए। Never miss an update.